नमस्कार प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इसका असर मध्य प्रदेश पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश का 70% हिस्सा कड़ाके की ठंड से ठिठुर गया है। भोपाल समेत 17 जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया। राजधानी में मंगलवार को दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री नीचे 19.3 डिग्री पर पहुंच गया। यह कोल्ड डे रहा। उज्जैन समेत 5 अन्य जिलों में भी कोल्ड डे रहा। इंदौर व धार में सीवियर कोल्ड डे रहा। भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। वर्ष 2020 की मंगलवार को हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। धर्म स्वतंत्र कानून के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत मिलावटखोरों को उम्र कैद की सजा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का फोकस मिलावटखोरों पर ज्यादा है, इसलिए व्यापारियों को नहीं बल्कि मिलावटखोरों के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को जीवन भर जेल में चक्की चलाना पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा नए साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लागू करने के लिए जुटना है। फ्लाई विग द्वारा 25 जनवरी से भोपाल अहमदाबाद के बीच पहली फ्लाइट की शुरुआत की जा रही है। सप्ताह में 7 दिन संचालित होने वाली इस फ्लाइट का सोमवार से शनिवार तक का शेड्यूल अलग और रविवार का शेड्यूल अलग रहेगा। फिलहाल कंपनी ने इसके संचालन के लिए 27 मार्च तक का स्लॉट लिया है। बुकिंग भी जल्द शुरू होने जा रही है। राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल विक्रम ने इस फ्लाइट का शेड्यूल मिलने की जानकारी दी है। उधर कंपनी का बेस स्टेशन इंदौर रहेगा और भोपाल से आने वाले महीनों के दौरान रायपुर जबलपुर के लिए भी फ्लाइट्स का संचालन किए जाने की संभावना है। राजधानी में 31 दिसंबर को नए साल के कार्यक्रम जिन होटलों में होंगे उन्हें रात 12:30 बजे तक बंद करना होगा। इसके बाद अगर यह खुले मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। होटल संचालकों को तय समय तक मेहमानों को विदा करना होगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक जिन होटलों में आयोजन होंगे वे इस बात का ध्यान रखें कि देर रात तक कार्यक्रम ना चले। अरेरा हिल्स के पास मंत्रालय से सटे भीमनगर बस्ती में रहने वाली निर्मला बाई जुग्गी नंबर 92 में रहती हैं। इस महीने उन्हें 13,731 रुपए का बिजली बिल मिला तो वे चौंक गईं। निर्मला ने हिम्मत बटोरी और मंगलवार सुबह बिल लेकर सुबह 9:30 बजे शिवाजी नगर स्थित ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले पर पहुंच गईं। बिल दिखाते हुए कहा, देखिए मंत्री जी, मेरे घर में सिर्फ एक बल्ब जलता है, टीवी फ्रिज और कूलर कुछ भी नहीं है। 2 महीने पहले मैंने नया मीटर लगवाया था। बिजली दफ्तर वालों ने मुझे इस माह 13,731 रुपए का बिल थमा दिया। मैं ऐसी कोई, मेरा तो कहना है कि मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये बिल जिसने जारी किया है जी। ये बिल मुझे ऐसे जारी करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन, क्योंकि नहीं तो ये परंपरा ही गलत हो जाएगी। इनका कौन रीडर है? शहर के 3 वृद्ध आश्रम में 9 माह में एक भी बुजुर्ग कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। इसकी जानकारी लगने के बाद शहर, प्रदेश व अन्य राज्यों से करीब 370 लोगों ने फोन कर इन वृद्ध आश्रमों में अपने माता पिता को रखने की गुजारिश की। वहीं कुछ बुजुर्गों ने खुद भी यहां रहने की इच्छा जताई। कई लोग इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। उनका कहना था कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक उनके बुजुर्गों को आश्रम में रख लिया जाए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ब्रज किशोर कुठियाला समेत 20 प्रोफेसरों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इन लोगों को आर्थिक अपराध शाखा ने क्लीन चिट दे दी है। इन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर की क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई है। इसे कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों के ऊपर लगाए गए आरोप दोष सिद्ध नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।